हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारे पास आपके लिए एक नई वीडियो है और काफ़ी कलरफुल तोरण तैयार किया है हमने। आइए तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्या क्या हमको सामान चाहिए इसमें। हमने यहाँ पे रेड कलर की कॉर्ड ली है, चार दो दो मीटर की, और वाइट कलर की दो कॉर्ड ली है, लाइटर, ग्रीन बीड्स, रेड बीड्स, ग्रीन बेल्स एंड रेड बेल्स, सीजर। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 इंच की रिंग में हमने वाइट कलर की कॉर्ड को बांध लेना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए, दोनों कॉर्ड्स को हमने बांध लिया है ऐसे। फिर हमने रेड कॉर्ड लेनी है, और गाइस हमने दोनों तरफ दो दो कॉर्ड रखी है रेड की, और टोटल कॉर्ड यहाँ पे हमने 5 से 6 मीटर तक की कॉर्ड हमने यूज़ करी है। आगे आगे स्टार्टिंग में ही मैंने छोटे छोटे कॉर्ड्स ही लिए 1-1.5 मीटर तक के, उसके बाद आपको जैसे ज़रूरत पड़ती है आप उसमें ऐड करते जाइए। सो हमने दोनों तरफ दो रेड कॉर्ड्स लिए हैं, बीच में वाइट कॉर्ड्स लिए हैं। सी 6 कॉर्ड्स यूज हुई यहाँ पे, 2 वाइट एंड 4 रेड। अब हमने इसको नॉट बना लेनी है रेड कलर की, देन वाइट, और फिर से रेड। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमने तीनों भी कॉर्ड्स यहाँ पे बांध लिए हैं। अब गाइस हमने क्या करना है, ये जो वाइट कॉर्ड हमारे पास है इसमें हम रेड कलर की बीड ऐड करेंगे, एक दोनों कॉर्ड्स में, बीच वाले में इस तरह से। ये देखिए 2 कॉर्ड्स में हमने एक रेड कलर की बीड ऐड करी है कुछ इस तरह की। फिर गाइस जो हमारे पास कॉर्ड बाहर के हैं दो दो रेड, इसको भी हमने बांध लेनी है। इसको ज़्यादा टाइट ना करें क्योंकि इसकी फिर शेप ख़राब हो जाएगा, इनको थोड़ा नॉर्मली बांधें रेड कॉर्ड्स को, इसका एक अलग से शेप आएगा कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने इसको नॉर्मली ही बांधा है, ज़्यादा टाइट नहीं किया है। गाइज आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी जो मैंने तोरण की तैयार करी थी। अब हमने बचे हुए कॉर्ड्स को भी आपस में बांध लेना है, ये 2 रेड कॉर्ड के लेके। ये फर्स्ट हमने वाइट वाली बांध ली नीचे से एक कुछ इस तरह से। सी अब हमने साइड के दोनों रेड कॉर्ड्स को आपस में बांध देना है कुछ इस तरह से। गाइज मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप कॉर्ड को ज़्यादा टाइट ना करें, इससे आपके तोरण की पट्टी का लुक ख़राब हो सकता है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको तैयार किया है। ये देखिए हो गया दोनों साइड का। अब हमने 2 वाइट कॉर्ड लेके 2 रेड कॉर्ड लेके दोनों को आपस में बांध देना है यहाँ पे। ये देखिए सेम प्रोसीजर हमने साइड वाले कॉर्ड में भी करना है कुछ इस तरह से। फर्स्ट हमने 2 नॉट्स बांधी है, फिर नीचे 1 वाइट नॉट बांधी है, फिर 2 नॉट्स बांधी है। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं, और एक पर्टिकुलर गैप में ही हमने आगे का वीडियो इसी तरह तैयार किया है। सो ये देखिए बीच की हमने वाइट कॉर्ड्स को भी बांध लेने हैं ये कुछ इस तरह से। गाइस सेम प्रोसीजर पूरे पट्टी में हमने इसी तरह से बनाया है। आप ध्यान में रखिए कि कौन सी नॉट हमने कब बांधनी है, ऊपर से आप काउंट कर लीजिए 1, 2, 3। फिर देखिए यहाँ पे
कुछ इस तरह का शेप आना है। ये यहाँ पे ये हमने बचे हुए कॉर्ड्स को भी इस तरह से बांध लेने हैं, सेम जैसे हमने ऊपर करे थे वैसे ही। अब यहाँ पे हमने एक रेड कलर की बीट डाल ली है नॉट बनाने के बाद। यहाँ पे एक रेड बीट हम ऐड कर रहे हैं गाइस, सी ये इस तरह से सेम साइज जैसे हमने ऊपर किया है उसी तरह से हमने नीचे भी वैसे ही पूरी पट्टी बनाते जाना है। और तोरण की पट्टी गाइस आप अपने दरवाजे के हिसाब में बनाएं, जो आपके दरवाजे की साइज़ रहेगी उस हिसाब में आप बनाएं, और बनाते टाइम आप दरवाजे का माप ले लें एक बार, ताकि फिर आपकी मेहनत भी ख़राब नहीं हो और आपका जो भी तोरण आपने बनाया है वो आपके दरवाजे में फिट आ जाए। देखिए हमने यहाँ पे इतना तैयार कर लिया है, और यहाँ पे देखिए हमने किस तरह से बनाया है। ये पहले हमने जो यहाँ पे बेड ऐड करी है, 1 नीचे 2 1 2 नॉट्स, फिर नीचे 3 1 2 3, फिर 2 फिर 1 2 3 फिर 2 फिर 1। यहाँ पे देखिए फिर हमने एक नॉट बना ली है बेड डाल के, उसके बाद फिर हमने 2 नॉट्स बांधी है। अब यहाँ पे 3rd नॉट्स बांधेंगे। देखिए गाइस हमने पूरी पट्टी बना के कंप्लीट कर ली है कुछ इस तरह से, सी। अब हमने बचे हुए कॉर्ड में रिंग ऐड करके उसकी पाइपिंग कर लेनी है। दोनों तरफ हमने 2-2 इंच की रिंग ली है। बचे हुए कॉर्ड्स को इसको हमने इक्वली करके फिर ही रिंग इसमें ऐड करनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से रिंग को पकड़ के हमने सारे कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है इसमें। यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, फर्स्ट हमने धागे को ऐड करना है ये, फिर सेकंड धागे को उसी में डाल के इसी तरह से हमने पूरी रिंग को पाइपिंग कर लेनी है। और गाइज ये आप बिना रिंग के भी बना सकते हैं, बट ये मैंने आपको समझने के लिए बनाया है। विदाउट रिंग अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको विदाउट रिंग भी बना के दिखा सकती हूँ। कुछ इस तरह की पाइपिंग कर लेनी है बचे हुए सारे कॉर्ड्स की, और फिर हमने वो सारे कॉर्ड्स बांध के उसको काट के फिर लाइटर की मदद से इसको स्टिक कर देना है। यहाँ पे इस तरह से हमने बांध देना है। और इस धागे को फेंकिए नहीं, ये धागे आप रीयूज कर सकते हैं, सो प्लीज़ आप धागे को वेस्ट ना करें। ये धागे को आप अपने किसी भी वेस्ट मटेरियल अगर आप कुछ अच्छा बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप उसको वहाँ पे यूज़ करें, अदरवाइज स्टिक करके आप अपने तोरण वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पर ट्राई करें कि आप जब इसको स्टिक करते हैं तो ये प्रॉपर स्टिक होना चाहिए, अदरवाइज आपका तोरण ख़राब हो जाएगा बनाने के बाद अगर ये टूट गया तो। और ज़्यादा टाइटली ना खींचें जो धागे आपने जोड़े रहेंगे। ये इतने हमने बना लिए हैं, अब इसको हमने सीधा कर लिया। फिर बचे हुए जो हमारे धागे हैं इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए बचे हुए धागे को हमने काट करके निकाल लेने हैं। फर्स्टली हमारे पास जो रेड कॉर्ड्स है इसी की पूरे रिंग में हमने पाइपिंग कर लेनी है। ये देखो कुछ तरह से फर्स्ट नॉट हमने ऊपर से लिया है फर्स्ट धागा,
फिर सेकंड धागा हमने इस तरह से नीचे से लिया है। ये देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट हमने ऊपर से लिया है और सेकंड नीचे से, यहाँ पे फर्स्ट ऊपर से सेकंड नीचे से। इसी तरह की पूरी पाइपिंग हमने पूरी रिंग में कर लेनी है। सो गाइस ये देखिए कंप्लीट कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर की रेड कॉर्ड्स है, 4 कॉर्ड्स, और फिर एक एक 1.5 मीटर की हमारे पास 10 वाइट कॉर्ड्स है। ये देखिए 10 कॉर्ड्स है हमारे पास। अब इसको हमने ये इसमें ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, फर्स्ट हमने 2 धागे में रेड कॉर्ड को ऐड कर लेनी है, 2 रेड कॉर्ड को यहाँ पे कुछ इस तरह से, फर्स्ट और ये सेकंड, इसको हमने ऐड कर लेनी है यहाँ पे। ये हो गया। फिर हमने हमारे पास जो वाइट कॉर्ड्स बची हैं इसको भी हमने धीरे धीरे इसी तरह से ऐड कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारे धागे काउंट करें, और गाइस अपने तोरण में जितना मैंने स्पेस दिया है उस स्पेस को ध्यान में रखते हुए दें, क्योंकि फिर इसमें 3 फ्लावर्स नहीं बने तो फिर आपको पट्टी बढ़ानी पड़ेगी। ये देखिए मैंने किस तरह से ऐड कर लिया, वो चीज़ को ध्यान में रखें। और फिर हमने लास्ट में भी 2 रेड कॉर्ड डाल दी हैं, इसका हमने इसमें बीच में लटकन लगाना है। देखिए फिर हमने दोनों रेड कॉर्ड्स में ग्रीन कलर की बीट्स डाली हैं, ये यहाँ पे इसमें भी, और फिर सेकेंड में भी हमने इसी तरह से रिंग डाल के बीट्स डाल के ऐड कर देनी है। देखिए रेड कलर हमने वाइट में यूज़ किया है, हमने सारे वाइट्स में रेड कलर की बीट्स ऐड करनी है। ये हमने ग्रीन बांध ली। ये हो गया। अब हमने सारे रेड कॉर्ड्स जो हैं दो दो करके सब में एक एक रेड कलर की बीट डालनी है। सपोज 10 रेड कॉर्ड्स है हमारे पास तो 5 बीट्स यहाँ पर डालेंगे। गाइस दो दो के सीक्वेंस में ही डालें। यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से बनाया इसको। फर्स्टली हमने 2 बांध लिए, फिर इसके बाद की हमने 3rd एंड 4th में नॉट डालने हैं। ये हो गया फर्स्ट। अब हमने 3rd और 4th लेके उन सब में उसी तरह से दो दो के सीक्वेंस में सारे बीट्स ऐड करनी है। ये देखिए यहाँ पे। अब गाइज हमने नॉट्स बना लेने हैं दोनों के, दो दो कॉर्ड्स लेके यहाँ पे इस तरह से। इसी तरह से सारे कॉर्ड्स की पाइपिंग हमने ये नॉट्स बना लेने हैं दो दो कॉर्ड्स लेके। ये हो गया हमारा। फिर इसी तरह से हमने नॉट बांधते हुए दो दो धागे साइड में छोड़ के फिर आगे बढ़ना है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इतना होने के बाद हमने सिर्फ 2 धागे छोड़ने हैं साइड में, और फिर आगे के 2 धागे लेके नीचे नीचे बांधते चले जाना है। ये देखिए यहाँ पे दो दो कॉर्ड्स हमने ली हैं। ये हो गया। अब हमने इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है नीचे के, पूरा हमारे पास एक ट्रायंगल शेप में आ जाएगा कुछ इस तरह से, लाइक 4 3 2 1 इस सीक्वेंस में आएगा। ये हो गया। अभी हमने लास्ट वाली नोट को भी इस तरह से बांध लेना है। ये देखिए एक ट्रायंगल शेप आ गया उसको। अब हमने
इसको पाइपिंग कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से रेड कलर की पाइपिंग हमने कर लेनी है वाइट कॉर्ड में। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे तीन कॉर्ड्स की हमने पाइपिंग कर लेनी है। और इस तरह से जितने कॉर्ड हमारे पास हैं यहाँ तक के, उन सब की पाइपिंग, उन सब में रेड कलर की पाइपिंग कर लेनी है। और एंड में हमने रेड कॉर्ड में, चार रेड कॉर्ड में एक छोड़ दिया था वो देखिए साइड में, उसका यूज़ हमने अलग से करना है। कुछ इस तरह से हमने पाइपिंग कर लेनी है गाइस। ये देखिए पूरी उसी तरह से हमने सारी पाइपिंग कर लेनी है ये फर्स्ट साइड की। और गाइस सेम यही प्रोसीजर दूसरी साइड के लिए भी है, हमने वहाँ पे भी इसी तरह की रेड कॉर्ड को लेके सब में पाइपिंग कर लेनी है। सिर्फ एक कॉर्ड हमने साइड में छोड़ देना है। ये देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट साइड का। अब सेम जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही हमने दूसरी साइड का भी कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने पूरा करके कंप्लीट कर लेना है। कुछ इस तरह से सारे हमने बना के कंप्लीट कर लिए हैं गाइस। ये देखिए दो तरह की, दोनों तरफ की हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमको इसको दो दो पार्ट में देखने को मिल रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक वाइट कॉर्ड उठा के उसमें सारे वाइट कॉर्ड की पाइपिंग करनी है कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है सेम वैसे ही आपको करनी है। इसे आपके जो हमने एक ट्रायंगल शेप दिया है उसको एक भर के लुक आता है। कुछ इस तरह से हमने दोनों साइड की पाइपिंग करनी है गाइस। और फ्लावर के अगर आसपास ही रहेगा तो इसका लुक अच्छा आएगा। दोनों तरफ की हमने इसी तरह से पाइपिंग करके फिनिश कर दी है। ये हमने यहाँ पे पूरी पाइपिंग ख़त्म कर ली है। अब हमारे पास जो रेड कॉर्ड्स बची है उसको हमने क्या करना है गाइस। ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको किस तरह से कंप्लीट करना है। इसको हमने बचे हुए कॉर्ड्स की यहाँ पे नॉट बना ली है। अब हमारे पास यहाँ पे सिक्स रेड कॉर्ड्स बची है। और गाइस इसको हाफ ऑफ करके हमको दोनों साइड पाइपिंग कर लेनी है, तीन इस तरफ करनी है
और बाकी के बचे हुए तीन को दूसरे कॉर्ड में टाइपिंग कर रही हूँ, राइट कॉर्ड में। सी हमने यहाँ पे ये पूरी पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। सो गाइज हमको नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास ये जो रेड कॉर्ड्स बची हैं इनको छोड़ के आगे के जो वाइट कॉर्ड्स हैं अंदर के साइड के, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं इसको हम एक दूसरे में पाइपिंग करनी है। एक फर्स्ट कॉर्ड उठा के फर्स्ट वाले कॉर्ड में सेकेंड में पाइपिंग करनी है, कुछ इस तरह से। फर्स्ट हमें धागा ऊपर से लेना है, फिर सेम धागा हमने नीचे से लेना है। इससे क्या रहेगा, आपका धागा मुड़ेगा नहीं, जैसे आपको चाहिए वैसे ही शेप बनता जाएगा इसका। ये देखिए हमने 6 टाइम्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए गाइस। अब इसको हमने थोड़ा सा फोल्ड करके, थोड़ा सा कर्ल करके उसके जो सेकेंड कॉर्ड्स है उसमें एक रेड कलर की बीट डालेंगे। कुछ इस तरह से एक ही कॉर्ड में डालनी है हमने बीट डाल के, और ये जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है इसी में उस धागे की पाइपिंग करनी है। इस धागे में तो थोड़ा सा फोल्ड कर्व करना है इसको, थोड़ा सा मोड़ के, ताकि इसका शेप अच्छे से सर्कल में आ जाए कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये, और बाकी के बचे हुए कॉर्ड्स को हमने इसी तरह से इसमें पाइपिंग कर लेनी है गाइस। यहाँ देखिए मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जिस कॉर्ड में हमने पाइपिंग करी थी उसी को फोल्ड करके नीचे के सारे कॉर्ड्स को उसी में पाइपिंग कर देनी है, कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे, और थोड़ा सा टाइट करें क्योंकि उसको हमको एकदम चिपका के आगे की तरफ लेना है, कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, सेम इसे जैसे कि हमने ऊपर बनाया है उसी तरह से इसको भी कंप्लीट करना है। सेकंड कॉर्ड को लेके फर्स्ट वाले कॉर्ड में पाइपिंग करनी है 6 टाइम्स, उसके बाद उसको थोड़ा सा मोड़ के उसको सर्कल शेप में ला के आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करना है हमने। ये देखिए 4 टाइम हो गया, 5 एंड द लास्ट वन इज 6। ये देखिए यहाँ पर कर लिया हमने। अब इसको हमको थोड़ा सा फोल्ड करके मोड़ के आगे वाले कॉर्ड में एक रेड कलर की बीट डालनी है, इस तरह से मोड़ के इसमें आगे वाले कॉर्ड में एक बीट डालनी है रेड कलर की। अब इसको थोड़ा सा फोल्ड करके, जैसे ही हमने ऊपर कंप्लीट किया है गाइस सेम उससे वैसे ही हमने यहाँ पे भी कंप्लीट करना है इसको। ये देखिए हमने एक तरफ के दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये सारी कॉर्ड्स में भी ये कुछ इसको कट कर लिए क्योंकि ये हिस्सा हमारे बाहर के साइड का है, सो इसको हम एक शेप में कट करेंगे और इसमें हमारा बीट से लटकन्स लगाना है हमें, बट अभी नहीं बाद में। फर्स्ट हम ये जो हमने बनाई है यहाँ पे इस सेम ऐसे ही एक दूसरा बना लेना है। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमने बना लिया, अब सेकेंड उसके आगे नेक्स्ट हमने इसी तरह का यहाँ पे तैयार करना है। यहाँ पे देखिए हमें इतना कॉर्ड छोड़ना है, 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पे कितना छोड़ा है हमने, 1 2 3 4 5 3 4 यहाँ पे छोड़ के, फिर नेक्स्ट इसमें हमने इसको
फोल्ड करना है पीछे की साइड पलट के। यहाँ पे देखिए तो दोनों को हमने पलट लिया है और इसके पीछे की तरफ हमने इस तरह से अच्छे से इसको बांध लेना है। इस तरह से ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज होना चाहिए, खुलने के चांसेस नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट हमने एक एक करके सारे धागों को इस तरह से बांध लेने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कैसे किया है। हमने ऊपर के सारे कॉर्ड्स बांध देने हैं। फिर हमने क्या करना है, एक साइड दो कॉर्ड्स और एक साइड तीन कॉर्ड छोड़नी है। जो ऊपर की तीसरी कॉर्ड रहेगी उसमें हमने गीट डालनी है और बाकी पाइपिंग करके जैसे हमने बाकी के इसमें बनाया है सर्कल वैसे ही हमने सेम यहाँ पे भी तैयार करना है। और फिर बचे हुए कॉर्ड में हमने दोनों साइड से एक एक कॉर्ड उठा के नॉट बना लेने हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर मैंने बीच में 6 कॉर्ड्स छोड़ के फिर साइड के दो दो एक एक कॉर्ड लेके दोनों साइड पाइपिंग कर लिए है और मैंने यहाँ पे 6 टाइम्स नॉट बांधी है। ये देखिए यहाँ पे। और फिर हमने एक शेप में और एक ही साइज में सारे काटने हैं। आगे की तरफ भी हमने जो हमारे पास फर्स्ट में रेड कॉर्ड बची है उसमें भी हमने सेम ऐसे ही करना है। साइड के दो कॉर्ड उठा के यहाँ पे नॉट बांध लेने हैं और बाकी के कॉर्ड्स में हमने बेल्ट डाल के उसको स्टिक कर देना है लैकर की हेल्प से।
ये हमारे थोड़े में कुछ बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो रेड कॉर्स बची थी जो हमने एक एक छोड़ दी थी, अब उसको हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्रीन कॉर्ड रेड कॉर्ड में एक एक ग्रीन बीट्स ऐड कर देनी है कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड द सेकेंड वन हीरा, अब इसको हमें आपस में बांध देना है। फर्स्ट थोड़ा सा टाइट बांधना है क्योंकि इसकी स्ट्रेट लाइन ही अच्छी लगेगी। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से बांध दिया है। अब इसमें हमने ग्रीन कलर की बेल्स ऐड करनी है दोनों कॉर्ड में एक एक करके यहाँ पे। और इसको थोड़े छोटे ही काटने क्योंकि इसको ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे हमने अब इसमें ग्रीन बेल्स डालना है और फिर उसको स्टिक कर देना है। अब हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पे धागे काटे हुए थे और इसको हमको पीछे की तरफ स्टिक कर देना है कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे ही हमने सेम आगे की तरफ बना लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक पार्ट बनाने के बाद फिर दूसरा पार्ट भी उसी तरह बनाना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 5 तैयार करे हैं और बीच का जो हमारा पार्ट रहेगा वो 7 के इसमें तैयार होगा क्योंकि बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है बीच में, और थोड़ा उसका एक उठ के लुक आता है अगर आप बीच में थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो। यहाँ पे ये हमने 5-5 करी है और फिर बीच वाले पार्ट में हमने 7 सर्कल्स बनाए हैं कुछ इस तरह से। ये हमने तोरण बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमको इसकी यहाँ पे हमने 5 बनाए हैं गाइस, नीचे बेल्स भी लगा दी हैं सारी। अब हमने बीच के पार्ट में क्या किया है, यहाँ पे हमने 7 तैयार किए हैं। ये देखिए यहाँ पे 3-3 और बीच का पार्ट हमने 7 लिया, 7 हो गया पूरा। इस तरह से हमारा तोरण बनने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा।
सो गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें गाइज। थैंक यू सो मच।